हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आई हूँ बहुत आसान सा एक चॉकलेट फज का रेसिपी लेके। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है। तो इधर मैंने डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट्स इक्वल क्वांटिटी में लिया है। आप चाहो तो सिर्फ डार्क चॉकलेट या सिर्फ मिल्क चॉकलेट से भी बना सकते हो। अब इसको माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए चॉकलेट को मेल्ट करने रख दूँगी। चॉकलेट मेल्ट होना हमारा मकसद है, चॉकलेट को जलाना नहीं है। तो आपको धीरे धीरे 30 सेकेंड्स के लिए ही करना है और उसके बाद स्टर करके देखना है और फिर से 30 सेकेंड्स के लिए करना है। एक बार में ज़्यादा टाइम के लिए आपको माइक्रोवेव में नहीं रखना है। और इसके बाद हमारा मेन और एक इंग्रेडिएंट है जो है कंडेंस मिल्क। तो मैंने इधर 400 ग्राम्स कंडेंस मिल्क डाल दिया है। आपके पास अगर माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर का भी यूज़ कर सकते हो। इधर मैं इन दोनों चॉकलेट और कंडेंस मिल्क को अच्छे से स्टर करके मिला लूँगी। और इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ वैनिला एक्सट्रैक्ट 1 टीस्पून, जो मेरा ऑफ कैमरा हो गया है, तो आप इधर ऐड कर लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं ऐड करने वाली हूँ मिनी मार्शमेलोज। आप चाहो तो उसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मार्शमेलो ऐड करने से एक अलग टेक्स्चर आता है। और उसके साथ मैं थोड़ा सॉल्ट ऐड करने वाली हूँ। सॉल्ट आप ज़रूर मतलब ऐड कीजिएगा, इससे टेस्ट बढ़ता है। और इसको फिर से गर्म करके मैं फिर से अच्छे से मिला लूँगी और सारे मार्शमेलो भी मेल्ट हो जाएगा और एक फुल बैटर जैसा आ जाएगा। अभी मैंने एक सिलिकॉन का मोल्ड लिया है, केक मोल्ड है, और उसमें मैं मेरे बैटर को डाल दूँगी और सेट करने दूँगी। आप चाहो तो दूसरे किसी भी बर्तन को यूज़ कर सकते हो इसको जमाने के लिए। इसको आपको फ्रिज में रखना है 2 घंटे के लिए और आपको देखना है कि हार्ड बन जाएगा एकदम, तो आपको पता चल जाएगा। आप ऊपर टच करोगे तो आपको पता चलेगा कि जम गया है। तो मैं 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो फ्रिज में 2 घंटा रखने के बाद मेरा फज सेट हो गया है, तो मैं ये भी डीमोल्ड कर लूँगी। इसके बाद आप अपने मनपसंद शेप में इसको काट सकते हो। मैंने इसको नाइफ़ की मदद से स्क्वायर्स में काट लिया है और बहुत ही टेस्टी है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। और क्योंकि घर में बना है तो थोड़ा ज़्यादा भी खा लिया तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप ज़रूर इसको बनाइएगा क्रिसमस में या और किसी ओकेशन में, और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये बहुत आसान इन्ग्रीडियंट से बनता है और बहुत आसान है, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।